ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, अब हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर संचिता लेखी सिंह जी जुड़ गई हैं। संचिता जी, बहुत बहुत स्वागत जी, है। नमस्ते। तो संचिता जी से जानते हैं कि आपका दिन आज का कैसा रहने वाला है, कार्ड्स आपके बारे में क्या कुछ कहते हैं, और शुरुआत मेष राशि आपसे करते हैं। जी, सबसे पहले हम मेष राशि के लिए यहाँ पे कार्ड निकाल लेते हैं। तो मेष राशि का जो कार्ड आ रहा है, बोल रहा है इनके आसपास जो है बहुत ज़्यादा कही सुनी बातों में ये फंस जाएंगे आज के दिन। बोल रहा है थोड़े से गॉसिप और इन सब चीज़ों से जो है इन्हें दूरियां बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार दूसरों की कही सुनी बातों में आके हम कोई गलत फैसला भी ले सकते हैं। तो ऐसी बातों से जो है आज के दिन इन्हें बच के ही रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम हेल्थ की बात करें तो बोल रहा है आज का जो दिन है कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियाँ जो हैं वो थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब हम आसपास की बातों में आते हैं तो हम कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है हमारी जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो बढ़ सकता है। तो आज का जो दिन है आपको थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए और ऐसी बातों से जो है गॉसिप और ऐसी चीज़ों से भी जो है हमें डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। आपके लिए मैं बोलूँगी आपको काला रंग जो है आज के दिन अवॉइड करना है और वाइट कलर जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, और संचिता जी वृषभ राशि के लिए जानना चाहेंगे, उनके लिए क्या खास है, कौन सा रंग उन्हें पहनना चाहिए? जी बिल्कुल, तो उनके लिए भी हम यहाँ पे जो है एक टैरो कार्ड निकाल लेते हैं। तो आज का जो दिन है, बोल रहा है आज का जो कार्ड आ रहा है इनका हार्ड वर्क का कार्ड आ रहा है। जैसे हम देख सकते हैं एक आदमी यहाँ बैठ के इतने सारी मेहनत कर रहा है तो उसको उस चीज़ का फल जो है वो मिल रहा है। तो वैसे ही आज का जो दिन है वो हार्ड वर्क का दिन है कि आप किसी भी चीज़ में जितनी मेहनत करेंगे तो हमें उतना फ़ायदा होगा। तो बोल रहा है आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपकी मेहनत जो है वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। साथ में अगर हम हेल्थ की बात करें तो बोल रहा है अगर आप हेल्थ में अगर आप आज बहुत ध्यान दे रहे हैं, कुछ चीज़ों का परहेज़ कर रहे हैं चीज़ों का, तो उसमें भी आपको हेल्थ में भी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कई बार हम सही सलाह जो होती हैं, सही दवाइयाँ जो होती हैं या सही चीज़ों को हम फॉलो करते करते थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो बोल रहे छोड़िए नहीं, जो भी आपकी हेल्थ में आप ध्यान रख रहे हैं अपना, उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे। आपके लिए मैं बोलूँगी येलो कलर अच्छा रहेगा। जी, येलो कलर आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और अब मिथुन राशि आपके लिए जानते हैं। जी, जो मिथुन राशि है उनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो मिथुन राशि का जो कार्ड आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि आदमी है जो यहाँ फंस गया है चीज़ों के अंदर, तो बोल रहा है आसपास की चीज़ों में थोड़ा सा आज आप फंस सकते हैं। तो कोशिश यही करें कि दूसरों की आपको बातों में नहीं आना है। कई बार कोई गलत सलाह हमें दे देता है, गलत एडवाइस हमें दे देता है, उस वजह से हम थोड़ा सा फंस जाते हैं उन चीज़ों में, दूसरों की बातों में आके मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसपास जब हम तलवारें देख रहे हैं तो मतलब आसपास जो है थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके भी बनी हुई है आज। तो कोशिश करें दूसरों की बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ अगर हेल्थ की बात करें आपकी भी, तो हेल्थ में बोल रहा है जब इतना स्ट्रेस हमारी लाइफ में हो, आसपास जब इतनी नेगेटिविटी होती है, तो थोड़ा सा हमारी हेल्थ में भी आ जाता है। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से दूर रहें, अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। साथ में अगर आप थोड़ा सा आराम करते हैं तो आपको और पॉजिटिव फील होगा। आपके लिए मैं बोलूँगी हल्का नीला रंग बहुत अच्छा रहेगा। जी, हल्का नीला रंग आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव आपको फील होगा। और चलिए अब कर्क सिंह कन्या आपके लिए जानेंगे। कर्क, सबसे पहले आपके लिए। जी, जो कर्क राशि है उनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो कर्क राशि का यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है कि बोल रहा है आज का जो दिन है बहुत ही इमोशनल आपका दिन रहने वाला है, क्योंकि जहाँ कप बना हुआ आता है वो हमारे घर परिवार की बात हो जाती है। तो बोल रहा है आज का जो दिन है अगर अपने घर परिवार वालों से आप कोई अपनी मन की बात कहते हैं, अपनी मन की बात कोई शेयर करते हैं, तो वो आपकी बात समझेंगे भी और आपको पूरा सपोर्ट भी करेंगे। तो जो पॉजिटिव आप चाहते हैं आपके कनेक्शन बने आपके रिश्तेदारों से, आपके करीबी वालों से, तो आज का दिन बहुत अच्छा है अपनी मन की बात उनसे शेयर करने का। साथ में अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी मुझे कुछ सपोर्ट, कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है, जो आपके आसपास के लोग हैं वो उनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपकी हेल्थ पे भी, कि अगर वो हेल्थ से रिलेटेड कोई अच्छी सलाह देते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपके लिए मैं बोलूँगी ऑरेंज कलर बहुत अच्छा रहेगा।
जी, और अब आगे सिंह राशि आपके लिए जानते हैं आपके लिए क्या खास है। जी, जो सिंह राशि है उनके लिए भी हम यहाँ एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो सिंह राशि का जो कार्ड आ रहा है वो तलवार वाला कार्ड आ रहा है हमारा, कि आज का जो दिन है सिंह राशि वालों को वो थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है चीज़ों को लेके, कि उन्हें लग रहा है आसपास जो है मेरी बात मानी ही नहीं जा रही है। तो थोड़ा सा नाराज़गी, थोड़ा सा गुस्सा जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है, कि हो सकता है गुस्से में आके आप किसी से कोई ऐसी बात कह दें कि आपके रिश्तों में दूरियाँ आ सकती हैं। तो सिंह राशि वालों को अपने गुस्से पे जो है थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए और किसी से ऐसी कोई बात ना करें कि आपके रिश्ते जो हैं वो ख़राब हों उनके साथ। साथ ही साथ मैं बोलूँगी करियर से रिलेटेड आज इनका दिन रहने वाला है, कि इनका जो फोकस है वो ज़्यादा ही काम की तरफ ज़्यादा है, कि इनका जो डेडिकेशन है वो काम की तरफ है। तो इनका जो दिन है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, बस थोड़ा सा गुस्से को जो है इन्हें कंट्रोल करना है। आपके लिए मैं बोलूँगी येलो कलर अच्छा रहेगा। जी, और कन्या राशि अब आपकी बात करते हैं, आपके लिए जानते हैं आपके लिए क्या खास है। जी, जो कन्या राशि है उनके लिए भी हमने एक कार्ड निकाल लिया है। तो कन्या राशि का जो कार्ड आ रहा है वो बैलेंस का कार्ड आ रहा है, कि आज जो है इन्हें थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो, करियर हो, या हम हेल्थ की बात करें, तो सबका बैलेंस जो है वो ज़रूरी है। जो आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है उसको सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए। और इसमें साथ ही साथ कार्ड्स में आ रहा है आज के दिन थोड़ी बहुत फिजूल खर्ची जो है कन्या राशि हो सकती है, तो कोशिश करें अगर आपको लगता है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है तो ही उस चीज़ पे खर्चा करें, वरना कुछ समय बाद भी आप वो चीज़ ले सकते हैं। तो आज का जो दिन है आपको बैलेंस बना के रखना है, साथ ही साथ जो फिजूल खर्ची है वो नहीं करनी है। आपके लिए मैं बोलूँगी नीला रंग अच्छा रहेगा। और अब तुला वृश्चिक धनु आपके लिए जानते हैं क्या खास है। जी, जो तुला राशि है उनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो तुला राशि का जो कार्ड आ रहा है ये पास्ट का कार्ड आ रहा है, कि आज जो है तुला राशि आपकी लाइफ में कोई पुरानी प्रॉब्लम, कोई पुरानी बातें उठ के आ रही हैं, कि हो सकता है बहुत समय से जिनसे बात नहीं हुई हो उन रिश्तेदार से आपकी बात हो जाए। तो बोल रहा है पास्ट की जो भी बातें उठ के आती हैं तो वो सिर्फ परेशानियाँ ही लेके आती हैं। तो कोशिश आज आपको यही करनी है कि पुरानी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर किसी से बहुत समय बात हो रही है आपकी, तो आपको बिल्कुल कम से कम ही आपको उनसे बात करनी चाहिए। आपके लिए मैं बोलूँगी हरा रंग बहुत अच्छा है। जी, और वृश्चिक राशि अब आपके लिए जानते हैं आपके लिए क्या खास है। जी, इनके लिए भी हम यहाँ पे एक कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो इनका जो कार्ड आ रहा है ये 6 नंबर का कार्ड है, और ये शांति का प्रतीक वाला कार्ड है हमारा, कि आपके जो भी परेशानियाँ बहुत समय से चल रही थी या मानसिक परेशानियाँ बहुत थी, तो बोल रहा है वो एकदम शांत होती नज़र आ रही है। जैसे ये नाव जो है हमारी एकदम शांति की तरफ जा रही है, वैसे ही आपकी परेशानियाँ जो है एकदम शांत होती मुझे नज़र आ रही है। साथ ही साथ अगर रिश्तों में आपकी करवाहट थी, किसी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपके हो रहे थे, तो वहाँ पे भी जो भी मन मुटाव है वो भी दूर होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि वो चाहे आपके सॉल्व हो या नहीं हो, पर एक तरीके से जो तूफान है आपकी ज़िंदगी का वो थमता मुझे नज़र आ रहा है आज के दिन। और आपके लिए मैं बोलूँगी वाइट कलर जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। जी, और संचिता जी, क्योंकि आपने तुला राशि के लिए बताया, वृश्चिक राशि के लिए बताया, धनु राशि के लिए जानना चाहते हैं। जी, जो धनु राशि है उनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो धनु राशि का जो कार्ड आ रहा है आज जो है बोल रहा है थोड़ी सी चीज़ें स्लो चल रही हैं आपकी लाइफ में। जैसे अगर हम धन की बात करें, फाइनेंसेस की बात करें, तो आज के दिन आपको पैसों का किसी भी तरीके का लेन देन जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैसे हैं वो आपके अटक सकते हैं, रुक सकते हैं कहीं पर। तो आज का जो दिन है आपको पैसों से रिलेटेड कोई भी काम जो है वो नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम रिश्तों की बात करें, अगर रिश्तों में कोई लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, तो आज का जो दिन है बोल रहा है कुछ प्रॉब्लम्स जो भी आपकी है तो उनका सल्यूशन आने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं आपके काम जो है जल्दी जल्दी हो जाए, तो आज जो है एकदम धीमी गति से आपका दिन जा रहा है। तो इस जब हमें पता होता है ऐसा दिन है, तो मैं यही बोलूँगी कि आपको आज आराम से बैठना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, और हर चीज़ पर आपको अच्छा दिन है आपका, कि हर चीज़ का सोच विचार जरूर कर सकते हैं। आपके लिए मैं बोलूंगी येलो कलर अच्छा रहेगा। जी, और आखिरी 3 राशि है मकर, कुंभ, मीन। तो मकर आपके लिए जानते हैं।
जी मकर राशि के लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो मकर राशि का जो कार्ड आ रहा है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे लड़ाई झगड़े का कार्ड आ रहा है, जैसे 5 नंबर का कार्ड है और ये 5 लोगों में लड़ाइयाँ हो रही है। तो बोल रहा है आज का जो दिन है, अगर आप पर्सनल लाइफ की बात करें, अगर घर में किसी तरीके के लड़ाई झगड़े हों, चाहे आपके ऑफिस में किसी तरीके के लड़ाई झगड़े हों, इन सभी चीज़ों से आज आपको दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि कई बार हम किसी की मदद करने भी जाते हैं लड़ाई में और खुद ही फंस जाते हैं उस लड़ाई झगड़े में। तो कोशिश यही करें, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़ों से आज आपको दूर ही रहना चाहिए। आपके लिए मैं बोलूँगी नीला रंग अच्छा रहेगा। जी, और संचिता जी, क्योंकि आखिरी राशियों की बात हो रही है, कुंभ राशि के लिए जानना चाहेंगे। जी, जो कुंभ राशि है उनके लिए भी हम एक कार्ड निकालते हैं। तो कुंभ राशि का जो कार्ड आ रहा है, ये भी नाराज़गी का कार्ड आ रहा है। जैसे आज जो दिन है, हम इतने सारे तलवारें देख रहे हैं, इनका भी 5 नंबर का कार्ड है और 5 तलवारें बनी आ रही हैं। तो बोल रहा है आज का जो दिन है, इनको भी गुस्सा आ सकता है किसी बात पे, कि हो सकता है इनकी कहीं भी बात सुन के कोई इनसे नाराज़ हो जाए। तो बिल्कुल आज जो है, इनको अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना चाहिए, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में, कि आपसे की कहीं भी बातों से कोई नाराज हो सकता है और आपके रिश्तों में जो है दूरियां बन सकती हैं। तो बिल्कुल कोशिश यही करें कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, और जो भी बात आपको कहनी है आप उसे प्यार से भी कहेंगे तब भी लोग समझ जाएंगे आपकी बात। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ गुस्से से या डांट के ही समझानी हो, प्यार से भी समझाएंगे तब भी लोग समझ जाएंगे। तो आप कोशिश यही करिएगा, और आपके लिए मैं बोलूँगी हरा रंग जो है अच्छा रहेगा। जी, और संचिता जी, अब आगे बढ़ते हैं, मीन राशि के लिए जानना चाहेंगे। जी, जो मीन राशि है उनके लिए भी हमने एक कार्ड निकाल लिया है। तो मीन राशि का जो कार्ड है, ये 7 नंबर का कार्ड आ रहा है और ये मानसिक परेशानियों का कार्ड है, कि आज जो है मुझे दिख रहा है, आपके करियर की बात करें तो बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हैं आपके, और आपको लग रहा है मैं कहाँ से अपना काम शुरू करूँ। तो बोल रहा है कि आप एक एक करके अपने काम करें तो आपके सारे काम बन जाएंगे। आप ज़्यादा सोचेंगे तो मानसिक परेशानियाँ जो है वो बढ़ेंगी ही। तो काम जो भी आपके पेंडिंग चल रहे हैं वो एक करके करें, बहुत सारे काम एक साथ ना करें, क्योंकि कई बार जब हम मल्टीटास्क करने के जाते हैं तो हमारे काम जो है वो बिगड़ ही जाते हैं। तो कोशिश करें कि एक एक करके करें, सारे काम एक साथ ना करें। और साथ ही साथ अगर हेल्थ की बात करें तो बोल रहा है हेल्थ जो है वो भी आज थोड़ी सी डाउन हो सकती है, क्योंकि जब जैसे थकावट होना या बॉडी एक होना, तो ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहेंगी। तो अपनी हेल्थ का जो है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही चाहिए। आपके लिए मैं बोलूँगी रेड कलर बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो ये तो राशियों की बात हुई और संचिता जी ने बताया आपको क्या कुछ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया संचिता जी। जी, नमस्ते। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।